नमस्कार दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ आध्यात्मिक पहलू बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है। सबसे बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस ये है कि जब एक देश का लॉ एंड ऑर्डर बेकार होता है तो उसका यही हालत होती है। सिक्योरिटी, सुरक्षा तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब एक देश के लोग आपस में जुड़े नहीं होते हैं या एक देश के लोग में जब समन्वय नहीं होता या सरकार जब समन्वय करने में फेल हो जाती है, तब इस तरह की हरकतें होती हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस होता है। या दूसरी चीज़, आध्यात्मिक पहलू तो यही है कि अहंकार, जब अहंकार ज़्यादा सर पे चढ़ जाता है तो उस अहंकार को टूटना लगभग तय हो जाता है। क्योंकि अहंकार होता है तो राजनेता लोग बात नहीं करते, जनता से पूछना नहीं चाहते और बहुत ही हल्के में लेते हैं, मुगालता पाल लेते हैं, भैया कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और ज़मीन निकल जाती है, पाँव तले ज़मीन चली गई। तो बांग्लादेश के अंदर यही हुआ है। पॉलिटिकल क्राइसिस जो हुआ है ये असंवेदनशीलता के चलते होता है। आप एक जब कोई जनता मुद्दे उठाती है, अगर आप उसको सीरियस नहीं लेंगे तो जनता और नाराज़ हो जाती है। ये बहुत ही संकट का समय था और हमें लगता है कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि अब भारत के लिए खतरा हो सकते हैं। समझ रहे हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो भारत के लिए खतरा हो सकते हैं और कुछ मुद्दे चीन को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तीस्ता रिवर चीन को फ़ायदा पहुंचा देगा तो भारत के लिए खतरे का भी सवाल है। लेकिन इस बांग्लादेश की आंदोलन से एक चीज़ सीखने को तो मिल जाती है, ये प्रदर्शनकारी जो थे वो अपनी मांग उठा रहे थे और जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो एक गलत चीज संदेश जाती जनता के अंदर और उसके बाद तख्तापलट हो जाता है। तो इसीलिए लोकतांत्रिक तरीके से समन्वय होना बहुत आवश्यक है, संवाद होना बहुत आवश्यक है, अहंकार को कम होना चाहिए। यदि अहंकार ज़्यादा होगा तो सत्ता आएंगी, गिरेंगी, पटके जाएंगी। तो इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ, अहंकार मुक्त शासन होना चाहिए। यदि राजा ने अहंकार किया, प्रधानमंत्री ने अहंकार किया, किसी ने भी अहंकार किया, जनता की बात नहीं मानी तो राजा बर्बाद हो जाएगा। तो यही इसके पीछे एक सीख है। जनता को कभी भी राजा को कभी भी तानाशाह नहीं होना चाहिए और यदि हो गया, बात नहीं मानी तो आगे चल के उसको भुगतना पड़ेगा। मेरा तो यही ओपिनियन है इसमें कि इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों।